राज्य में विधान परिषद के लिए नागपुर और अकोला बुलढाणा वाशिम स्थानीय निकाय क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो गई। नागपुर में कांग्रेस द्वारा चुनाव की पूर्व संध्या पर अपना उम्मीदवार बदलने के बाद बीजेपी के चंद्रशेखर बावनकुले और कांग्रेस समर्थित मंगेश देशमुख के बीच मुकाबला होगा। इसी श्रृंखला में जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे और कांग्रेस के अन्य जेडपी सदस्य ग्रामीण तहसील कार्यालय मतदान करने पहुंचे। इस दौरान वीसीएन न्यूज से संवाद साधते हुए जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे ने कहा, पार्टी के वरिष्ठों द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करते हुए आज हमने मतदान किया है और इसके रिजल्ट सभी को आने वाली 14 दिसंबर को पता चलेंगे। साथ ही वे बोली कि जीत का जश्न भी कांग्रेस ही मनाएगी। आइए डालते हैं एक नजर क्या कहा है रश्मि बर्वे ने। राज्य में विधान परिषद चुनाव होने जा राज्य में दो जगह पर जो है विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें नागपुर में जो चुनाव हो रहे हैं ये प्रतिष्ठा का चुनाव बन गया है। हमारे साथ है जेडपी अध्यक्ष, उन्होंने अभी अभी वोटिंग करके आए हैं। क्या बताओगे, जो वोटिंग के पूर्व संध्या पर जो है कांग्रेस द्वारा जो है अपक्ष उम्मीदवार को समर्थन दिया गया है, किस तरह से ये चुनाव रहा है इस साल, बताइए क्या बताए। खरंतर जसं मी सांगितलं आता त्याच पद्धतीने ही जी निवडणूक आहे स्थानिक स्वराज्य संस्थेची विधान परिषदेची, ही ऐतिहासिक घटना घडवणारी अशी निवडणूक आहे। आणि यामध्ये आम्हाला महाविकास आघाडीला, जरी आमचा जो पक्ष आहे काँग्रेस पक्ष आणि जिल्हा परिषद सदस्यांची जेव्हा निवड झाली 2020 वर्षी, तेव्हापासून आम्हा सर्वांना काँग्रेस पक्षांना विजय कसा मिळवायचा याचं एक कौशल्य आमच्या मंत्री महोदयांकडनं आम्हाला शिकायला मिळालं आणि त्याच कौशल्यातून येत्या 14 तारखेला आपल्याला निर्णय बघता येणार आणि विजय हा महाविकास आघाडीचाच होईल, इतकंच मी आपल्या या प्रसंगी आपल्याला सांगू इच्छिते। हाय व्होल्टेज ड्रामा जो हुआ है, ये पॉलिटिकल ड्रामा किया गया है, अचानक से जो ये चमत्कार हुआ है, इसके बारे में क्या बताओगे, किस तरह से कांग्रेस वासियों ने मतलब अपक्ष उम्मीदवार को समर्थन दिया है, ऐन मौके पर ये क्यों हुआ है? ये जो ड्रामा हुआ क्या हुआ हमें कुछ भी पता नहीं। जो हमारे पक्ष से, हमारा जो पक्ष श्रेष्ठ है माननीय मंत्री महोदय केदार साहेब, हमारे प्रांताध्यक्ष सन्मान्य नाना पटोली जी, हमारे ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष सन्मान्य मुलक साहेब, पक्ष पालक मंत्री महोदय सन्मान्य नितिन राउत साहेब, हमें जो पक्ष श्रेष्ठ का जो आदेश मिला है वो आदेश का हमने सही तरीके से आदेश का पालन किया है। बस इतिहास के समय पर आपको इसी यही बात बताना चाहूँगी। धन्यवाद। तो जिस तरह से बताया जा रहा है कि पक्ष श्रेष्ठ ने जो आदेश दिए उसका पालन करते हुए आज का चुनाव जो है, आज के मतदान जो है हुए है। कैमरा पर्सन माइकल रापुरे के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।